हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये आपके लिए कोई नई टर्म्स नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में भी आप इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ थोड़ा रिकैप करते हैं जो हम अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या होता था, अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं, सपोज ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक बी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट यानी ए क्रॉस बी ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जहाँ पर जिन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हम पहले सेट से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट हम दूसरे सेट से ले रहे हैं। यानी ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ पर देखें या हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जहाँ पर पहला वाला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से हमने लिया है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से हमने लिया है। जैसे इस केस में अगर हम ए क्रॉस बी करना चाहें तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हम ये देखेंगे 1 किस किस के साथ में कनेक्ट हो सकता है। 1 एक्स के साथ में कनेक्ट हो सकता है और वाई के साथ में, तो 1 के साथ में एक्स आ सकता है या फिर 1 के साथ में वाई आ सकता है। ऐसे 2 एक्स के साथ में या वाई के साथ में, 3 एक्स के साथ में या वाई के साथ में, तो 2, x, 2, y, 3, x, 3, y, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट वो है ए क्रॉस बी। एक चीज़ जो आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि अगर सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं यानी ए का कार्डिनल नंबर 3 है और सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं यानी बी का कार्डिनल नंबर 2 है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ए इंटू एन बी, यानी इस केस में 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। एक और चीज़ जो आप जानते हैं कि बी क्रॉस ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए इज़ नॉट सेम एज ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर हम बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर का हमें सेट बनाना पड़ेगा जहाँ पर पहला एलिमेंट हम सेट बी से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट हम सेट ए से ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पहला एलिमेंट बी से हमने लिया एक्स, एक्स किस किस के साथ पेयर बना सकते हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो x1 x2 x3, और वाई किस किस के साथ पेयर बना सकते हैं, y1 y2 और y3। तो यह हमें दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी अलग है और बी क्रॉस ए अलग है, ये दोनों सेम बात नहीं है। इसके बाद आपने जो 11th क्लास में एक और कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है रिलेशंस। रिलेशंस किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक्चुअल में ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट होता है। और वो सबसेट हमने कैसे डिराइव किया, वो सबसेट हमने कैसे बनाया, हमने जो ए क्रॉस बी में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर थे जिनमें एलिमेंट्स थे ए और बी, इन ए और बी में हमने कोई कंडीशन लगा दी है कि ये ए और बी इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास एक सेट ए है जो कि है 1, 2, 3, और एक हमारे पास सेट बी है, इसमें हमारे पास है 4, 5 और 6। तो अगर हम ए क्रॉस बी इस केस में करेंगे तो हमारे पास 3 × 3 यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आएगा, और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। लेकिन अब हमने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये रिलेशन कह रहा है हमें सिर्फ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी चाहिए
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a माइनस बी माइनस थ्री होना चाहिए, उसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पर नहीं चलेगा। a माइनस बी हमें माइनस थ्री चाहिए। तो अब हमारे रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे देखते हैं। तो 1 माइनस 4 अगर हम करते हैं माइनस थ्री आता है, तो यानी 1, 4 ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे रिलेशन में आएगा। 1, 5 1 माइनस 5 -3 नहीं होता तो ये नहीं आएगा। 1, 6 भी नहीं आएगा। 2, 4 ये भी -3 नहीं है। 2, 5 2 -3 करेंगे तो -3 आएगा, यानी 2, 5 भी इस रिलेशन में, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ऐसे ही 3, 6 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। तो हमें क्या दिखाई दिया, ए क्रॉस बी में तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर थे, 9 ऑर्डर पेयर थे, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, लेकिन हमारे रिलेशन में सिर्फ 3 ही ऑर्डर पेयर आए हैं, 1, 4, 2, 5 और 3, 6। तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा रिलेशन ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होता है, जिसको हमने कैसे बनाया, कैसे डिफाइन किया है। हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स में कोई कंडीशन लगा दी है कि ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे, नहीं तो वो हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। एक चीज़ और जो आप 11th से ही जानते हैं वो ये कि अगर ए क्रॉस बी, हमें ये बताएं ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर ये इक्वल होता है एन ए इंटू एन बी के। सपोज़ हमारे पास जो सेट ए है उसमें ए एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे पास बी एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए अगर ए है और कार्डिनल नंबर ऑफ बी अगर बी है, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, ए बी होगा। तो अगर ए क्रॉस बी में ए बी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कितने सबसेट्स हम ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे देखते हैं, 2 to the power जो भी उस सेट का कार्डिनल नंबर है, यानी ए क्रॉस बी के इतने सबसेट्स हम बना सकते हैं, इतने सबसेट्स पॉसिबल है। और क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होता है, इसीलिए ए क्रॉस बी से हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, उतने ही रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं जितने हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी में जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 2 to the power ए बी, जहाँ पर ए है सेट ए का कार्डिनल नंबर और बी है सेट बी का कार्डिनल नंबर। तो ये जो रिलेशन है इसको लिखने के यहाँ पर हमने एक दो तरीके देखे हैं। जैसे यहाँ हमने इस रिलेशन को कैसे डिस्क्राइब किया था, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का सेट जहाँ पर कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो हमने क्या किया था, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट नहीं किया था जो इस रिलेशन को बिलोंग करते थे, हमने सिर्फ उस कंडीशन को लिस्ट किया था जिस कंडीशन को हमारे ए और बी फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से अगर हमने रिलेशन को डिस्क्राइब किया है तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये रिलेशन एक्सप्रेस किया है। इसके बाद नेक्स्ट इसी रिलेशन को हमने किस तरह से लिखा था, 1, 4, 2, 5, 3, 6, यानी वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को बिलोंग करते थे वो ऑर्डर्ड पेयर हमने यहाँ लिखे, लिस्ट किए और उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट किया। तो इस तरह से अगर हमने रिलेशन को एक्सप्रेस किया है तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने अपने रिलेशन को एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा रिलेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये क्या होता है, सेट ए को हमने एक ओवल से रिप्रेजेंट किया, उसके एलिमेंट्स उसमें लिख दिए। सेट बी को एक और ओवल से रिप्रेजेंट किया, उसके एलिमेंट्स हमने इसमें लिख दिए। अब जो जो एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं अंडर आर रिलेशन, उनको हम एक एरो से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 1 और 4 को हम एक एरो से ज्वाइन कर देंगे। 1 इज रिलेटेड टू 4। 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 6 से। तो जो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड थे उनको हमने एरो लगाकर ज्वाइन कर दिया। उसके अलावा एक तरीके से और हम रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर इफ़ आई डबल एफ इफ़, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ़
and only if. A is related to R and relation R if and only if A minus B is equal to minus 3. तो इस रिलेशन को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. A is related to B if and only if A minus B is equal to minus 3. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो आपने अब तक पहले नहीं पढ़ा है, जो यहाँ पर ट्वेल्थ में आप पहली बार पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस. रिलेशंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमारे पास जो पहला रिलेशन आता है, फर्स्ट रिलेशन, वो है ट्रिवियल रिलेशन. ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक तो होता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन और दूसरा हमारे पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, तो इसमें भी आपको कुछ नाम से थोड़ा आइडिया हो गया होगा एम्प्टी रिलेशन क्या होना चाहिए और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट है और हमें यह भी पता है कि किसी भी सेट का सबसेट फाइव भी होता है और पूरा सेट भी उसका सबसेट होता है. तो एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर कोई भी ऐसे ए कॉमा बी है ही नहीं जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. कैसे? जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 और हमारे पास एक सेट है बी 4 5 6. हमने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और वो रिलेशन कह रहा है कि ऐसे सारे ए कॉमा बी हमें चाहिए कि a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. a माइनस बी ज़ीरो होना चाहिए, ऐसे सारे a कॉमा बी का सेट. तो अब हम इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड कर सकते हैं? क्या 1, 4 इसमें आएगा? नहीं, क्योंकि 1, 4 तो ज़ीरो नहीं है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 1, 5 भी ज़ीरो नहीं है, 1, 6 भी ज़ीरो नहीं है, 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 3, 6 इनमें से कोई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है. यानी हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया. तो हमारा रिलेशन किसके इक्वल हो गया? एम्प्टी सेट यानी 5 यानी नल सेट या वॉइड सेट के इक्वल हो गया. तो ये है हमारा एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन जस्ट इसका अपोजिट है. तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमने एक ऐसी कंडीशन दे रखी है कि हर ए कॉमा बी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर इंक्लूडेड है. जैसे अगर हम यही अपने सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी. इस बार हमने रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी इस तरह से कि हमारा रिलेशन कह रहा है ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी हमें चाहिए कि ए माइनस बी शुड बी लेस देन ज़ीरो. ए में से बी माइनस करोगे तो ज़ीरो से कम नंबर मिलना चाहिए. तो इस रिलेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएंगे. 1, 4, 3 ठीक है, ज़ीरो से कम है, यानी 1, 4 इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. 1, 5 क्या इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है. 1, 5 वो भी लेस देन ज़ीरो है. 1, 6 भी कर रहा है. 2, 4 भी कर रहा है. 2, 5 भी कर रहा है. 2, 6 भी कर रहा है. और 3, 4 भी कर रहा है. 3, 5 भी कर रहा है. 3, 6 भी इस रिलेशन को, इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो वो भी हमारे रिलेशन का पार्ट है. कितने एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और ये सारा का सारा जो सेट बन गया, ये किसकी इक्वल है? ये पूरे ए क्रॉस बी के इक्वल है. यानी ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स हमारे, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में भी प्रेजेंट हैं. तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस. ये हैं ट्रिवियल रिलेशंस. ट्रिवियल रिलेशन के बाद अब हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम एक ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जिसमें किसी सेट का हर एलिमेंट अपने खुद के साथ में रिलेटेड होता है. यानी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है कि ए कॉमा ए हमेशा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है.
हमने एक सेट रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। और वो रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है कि हर ए कॉमा ए उस रिलेशन का पार्ट है जहाँ पर ए सेट ए का कोई एलिमेंट है, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट खुद से उस रिलेशन के अंडर रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। कैसे? जैसे हमारे पास सपोज सेट ए है 1 2 3, और सेट ए ही है 1 2 3। हमने एक रिलेशन यहाँ डिफाइन किया रिलेशन ऑन ए, और वो रिलेशन कह रहा है कि ऐसे सारे ए कॉमा बी हमें चाहिए, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए कि ए माइनस बी ज़ीरो होना चाहिए, ए माइनस बी ज़ीरो होना चाहिए। अब इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है तो 1 कॉमा 1 इसके अंदर आएगा, 2 माइनस 2 भी ज़ीरो होता है तो 2 कॉमा 2 भी इसमें आएगा, 3 माइनस 3 भी ज़ीरो होता है तो 3 कॉमा 3 भी इसमें आएगा। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, यानी हर एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड है। लेकिन अगर हमने एक इस सेट में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया होता, सपोज उसमें 1 कॉमा 1 आ रहा होता, 2 कॉमा 2 आ रहा होता, 2 कॉमा 1 आ रहा होता और 3 कॉमा 2 आ रहा होता, क्या ये रिलेशन, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं? 1 कॉमा 1 तो आ रहा है, 1 तो 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 3 खुद से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, हर एलिमेंट खुद के साथ में वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी कंडीशन हमें गिवन है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इसमें अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास एक रिलेशन हमने डिस्क्राइब किया है ऑन सेट्स ऑफ इंटीजर्स, तो रिलेशन हमने ये रिलेशन एक डिस्क्राइब किया है, और रिलेशन है हमारा रिलेशन ऑन जेड, और वो रिलेशन ये कह रहा है कि ऐसे सारे ए कॉमा बी हमें चाहिए कि ए माइनस बी शुड बी अ इंटीजर, ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, चेक करते हैं। ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, सपोज़ ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ये हर एलिमेंट अपने खुद के साथ इस रिलेशन में होगा, तो हमें ये चेक करना है कि क्या a, a, a इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो a कॉमा a इस रिलेशन को तब बिलोंग करेगा अगर a में से आप a माइनस करें तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो a में से अगर हम a माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो, और हम जानते हैं कि ज़ीरो एक इंटीजर होता है, यानी a माइनस a इंटीजर है, इसका मतलब a कॉमा a हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जैसे 1 कॉमा 1 है, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 माइनस 1 एक इंटीजर है। -1 कॉमा -1, -1 में से -1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा जो कि एक इंटीजर है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, यानी ए और बी जिस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए कॉमा बी जिस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी कॉमा ए भी उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। कैसे? जैसे हमारा रिलेशन है जो हमने पीछे डिफाइन किया था, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था ऑन सेट, और वो रिलेशन क्या कह रहा था कि ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई हमें चाहिए कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए।
इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर a कॉमा b इसमें है तो क्या b कॉमा a भी इसमें होगा। तो लेट a कॉमा b इसको बिलोंग करता है, a कॉमा b हमारे रिलेशन का मेंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a माइनस b तो ज़रूर एक इंटीजर है, क्योंकि ये कंडीशन थी तभी इस रिलेशन में होगा। a माइनस b अगर इंटीजर है तो b माइनस a भी पक्के से इंटीजर ही होगा। जैसे 2 माइनस 1 अगर इंटीजर है तो 1 माइनस 2 भी इंटीजर होगा, 7 माइनस 9 इंटीजर है तो 9 माइनस 7 भी इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होता है। तो a माइनस b अगर इंटीजर है तो b माइनस a भी इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है? b कॉमा a भी हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 और हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, हम सेट ए पर ही, सेट ए पर ही हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन एक और सेट ए बना लेते हैं हम 1 2 3, और वो ये रिलेशन इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1, 1 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, 2, 1 आ रहा है, 1, 3 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? क्या रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा? ठीक है, पहले हम यही देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 तो 1 से रिलेटेड है, लेकिन क्या यहाँ 2, 2 से रिलेटेड है? 2 तो 2 से रिलेटेड नहीं है। तो 2, 2 हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये तो हमें दिखाई दे गया कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। 1, 1 तो एक ही बात है, 1, 2 इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमें दिख रहा है 2, 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है, 1, 3 इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 1 क्या इसको बिलोंग कर रहा है? 3, 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन कब सिमेट्रिक होता? अगर इस रिलेशन में हम दो ऑर्डर्ड पेयर और ऐड कर देते, 1, 1 तो होता ही, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 3 तो ये था ही। अगर हम इसमें एक 3, 1 और डाल देते और इसमें हम 3, 2 और डाल देते तो हमें क्या दिखाई देता? 2, 1 है और 1, 2 भी है, 1, 3 है, 3, 1 भी है, 2, 3 है, तो 3, 2 भी है। तब ये रिलेशन सिमेट्रिक होता। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन यानी ऐसा रिलेशन जहाँ पर अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी सेम उसी रिलेशन में है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट रिलेशन पर, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कैसा रिलेशन है? ये एक ऐसा रिलेशन है जो जिसमें अगर ए बी प्रेजेंट है, अगर ए बी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? ए और बी जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बी कॉमा सी भी उसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे हम अपना वही रिलेशन लेते हैं जो हम तब से डिफाइन करते आ रहे हैं। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, और वो ये रिलेशन ये कह रहा है कि ऐसे सारे एक्स कॉमा वाई हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? कैसे हम देख सकते हैं? तो सपोज करते हैं कि ए कॉमा बी हमें गिवन है कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को ये ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट एक इंटीजर है,
इसका मतलब a माइनस b एक इंटीजर है। और अब हम मान के चलते हैं कि b कॉमा c भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, b माइनस c भी एक इंटीजर है। तो a माइनस b भी एक इंटीजर है और b माइनस c भी एक इंटीजर है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या a कॉमा c भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमें पता है a माइनस बी ये इंटीजर है, b माइनस सी ये भी एक इंटीजर है, और इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो a माइनस बी इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, a माइनस सी तो पक्के से एक इंटीजर है। a माइनस सी अगर इंटीजर है यानी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a कॉमा c भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर a भी रिलेशन में है और b c रिलेशन में है तो a c भी रिलेशन में है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ऐसे ही अगर कोई और एग्जांपल लें, हमारे पास सेट ए है, हमारे पास सेट ए है, हमारे पास एक सेट ए है और सेकेंड। तो अभी तक हमने कौन कौन से टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़े हैं, हमने अब तक ये पढ़ा है, अगर हम स्टार्टिंग से रिवाइज करें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, और वो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का सेट है, जहाँ पर ए पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। और हमने देखा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, रिलेशन ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होता है, और उसको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या एरो डायग्राम बनाकर भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, जो भी हमें कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हम लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन की अब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था पहले ट्रिवियल रिलेशंस, जिसमें आते हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कोई भी ए कॉमा बी ऐसा है ही नहीं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन इक्वल है नल सेट के। यूनिवर्सल रिलेशन यानी हर ए कॉमा बी हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा रिलेशन इक्वल है ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या कहता था कि अगर ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, अंडर द गिवन कंडीशन हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी हर ए कॉमा ए हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर ए हमारे सेट का जिस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है उस सेट का कोई एलिमेंट है। इसके बाद हमने बात की थी सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन यानी अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो b कॉमा a भी रिलेशन में है, तो a और b जिस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, b कॉमा a भी उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने ये देखा था कि अगर a भी रिलेशन में है और b कॉमा c रिलेशन में है तो a कॉमा c भी रिलेशन में होंगे, यानी a कॉमा b जिस कंडीशन अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और b कॉमा c भी उसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर a कॉमा c भी उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी का हम एक एग्जांपल देखने वाले थे। सपोज़ हमारे पास है कोई सेट है हमारे पास a, एक सेकेंड, हमारे पास कोई सेट ए है और सेट ए हमारे पास है सपोज़ 1 2 3 4, और दूसरा भी सेट ए ही है, हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ऑन सेट ए 1 2 3 4। तो हमने किस तरह का रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 1 2 2 1 1 3 3 4 1 4
2, 2. क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो कैसे चेक करेंगे हम? 1, 1 इसमें है और 1, 2 भी इसमें है. 1 से शुरू होने वाला, 1 पे ख़त्म होने वाला पेयर, 1 से शुरू होने वाला पेयर. तो हमें देखना पड़ेगा क्या 1, 2 भी इसमें है. हाँ, 1, 2 इसमें है. 1, 1 इसमें है और 1 से शुरू होने वाला एक और हमें पेयर मिल रहा है, 1, 3. तो 1, 1 है, 1, 3 है, तो 1, 3 इसमें है. 1, 1 है, 1, 4 है, तो 1, 4 इसमें है. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 1, 2 इसमें है और फिर 2 से शुरू होने वाला 2, 1 इसमें है. तो क्या 1, 1 इसमें है? हाँ, 1, 1 इसमें है. ठीक है. 1, 3 इसमें है और 3, 4 इसमें है. तो इसका क्या मतलब है? 1, 4 क्या इसमें है? हाँ, 1, 4 इसमें है. 2, 2 इसमें है और 2, 1 इसमें है. तो क्या 2, 1 इसमें है? हाँ, 2, 1 इसमें है. इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है. ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें अगर ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा. 1, 4 इसमें है. 4 से शुरू होने वाला, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो वो हमें चाहिए ही नहीं. तो उससे इसके ट्रांजिटिव होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए बी भी इसमें, ए कॉमा बी भी इसमें होना चाहिए और बी कॉमा सी भी इसमें हो सकता है, होना चाहिए, तभी ए कॉमा सी को हम चेक करेंगे कि इसमें है या नहीं है. तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन. फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उसे कहते हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. जैसे हम एक एग्जांपल देखते चले आ रहे हैं बहुत देर से, कि एक रिलेशन हमने डिस्क्राइब किया है वन सेट ऑफ इंटीजर्स, और वो रिलेशन क्या कह रहा है? ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जहाँ पर ए माइनस बी कोई इंटीजर होना चाहिए. तो अभी हमने पीछे भी देखा था कि ये रिलेशन हमें पता है रिफ्लेक्सिव है. क्यों? क्योंकि हर ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि हमें पता है कि ए माइनस ए ज़ीरो होता है जो कि इंटीजर होता है. तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? ये भी हमने पीछे देखा था. हाँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा. यानी अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है. क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये भी हमने अभी पीछे देखा था. हमें पता है कि अगर ए माइनस बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी ए माइनस बी इंटीजर है, और बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी बी माइनस सी भी इंटीजर है, तो हम पक्के से कह सकते हैं कि a माइनस सी भी इंटीजर ही होगा, यानी a कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा. तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. और एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट a है, 1, 2, 3, 4, और हम सेट ए पर ही रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो दूसरा सेट भी हमारे पास 1, 2, 3, 4. हमने एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है कि हमारे रिलेशन में 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, 4, 4 आ रहा है, और रिलेशन में हमारे 1, 2 आ रहा है, 2, 1 भी आ रहा है. हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा. तो क्या 1, 1 से रिलेटेड है? हाँ है. क्या 2, 2 से रिलेटेड है? क्या 3, 3 से रिलेटेड है? क्या 4, 4 से रिलेटेड है? हाँ, बिल्कुल है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक यानी 1 a, b है, तो b, a भी होगा. इनमें तो हमें पता ही है ही.
1, 2 है तो 2, 1 भी है, तो हाँ ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव यानी 1, 1 है तो 1, 1 और 1, 2 है तो 1, 2 होना चाहिए, ठीक है। 2, 2 है, 2, 1 है तो 2, 1 होना चाहिए, ठीक है। 1, 2 इसमें है और 2, 1 इसमें है तो 1, 1 इसमें होना चाहिए, हाँ 1, 1 इसमें है और तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हाँ ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा है? ये रिलेशन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में एक और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है, एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आपको, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें अगर हम देखें फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किस किस के साथ में रिलेटेड है, उसके सेट को हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए इस रिलेशन में 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, 1 को लिखकर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे। तो ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसको हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जिनके साथ में 1 रिलेटेड है। तो 1 हमें दिख रहा है 1 के साथ रिलेटेड है और 1 यहाँ 2 के साथ में रिलेटेड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अगर हम देखें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा? 2 किस किस के साथ में रिलेटेड है? 2 1 के साथ में रिलेटेड है, 2 2 के साथ में रिलेटेड है और 2 1 के साथ में रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 और 2। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 अगर हम यहाँ पर देखें तो देखना पड़ेगा 3 किस के साथ में रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है 3 के साथ और 3 किसी के साथ में रिलेटेड नहीं है, तो एक ऐसा सेट हम बनाते हैं जिसके अंदर 3 प्रेजेंट है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 अगर हम देखें तो 4 किस किस के साथ में रिलेटेड है? 4 रिलेटेड है सिर्फ 4 के साथ, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 4। इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की क्या है? वो एलिमेंट इक्विवेलेंस रिलेशन में और किस किस एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है उन सबका एक सेट, वो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो पूरा सेट ए था वो क्या था, उसमें 4 एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4। ए की इक्विवेलेंस क्लास है 1, 2 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास भी वही है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास है 3 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास है 4। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये हमारे पूरे सेट ए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट है 1, 2, एक पार्ट है 3 और एक पार्ट है 4। तो 1 और 2 के जो इक्विवेलेंस क्लास थी उसमें आ रहा है 1, 2, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है 3 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है 4। इन पार्ट्स को जिसमें हमारा ये सेट इक्विवेलेंस रिलेशन में डिवाइड हो रहा है, इन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्टीशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस क्लास जो है हमारे सेट को डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं, ये है हमारा पहला पार्टीशन A1, ये है दूसरा पार्टीशन A2 और ये है तीसरा पार्टीशन A3। यहाँ पर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि A1 और A2 का इंटरसेक्शन फाई है, A2 और A3 का इंटरसेक्शन भी फाई है और A1 और A3 का इंटरसेक्शन भी फाई है। यानी ये सारे जो पार्टीशंस हैं ये सब कैसे हैं? ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये सारे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई है और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो ये कि अगर हम इन तीनों का यूनियन करें, सारे पार्टीशंस का यूनियन करेंगे तो हमें अपना ओरिजिनल सेट ए मिल जाएगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 वो किसके बराबर है? हमारे पूरे सेट A के बराबर होगा। तो
इक्विवेलेंस क्लास की अगर हमने बात की, ये इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशंस हम की बात हम कब करेंगे, जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशंस का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफरेंट एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड कर देती है, और उन पार्टीशंस में ये स्पेशल बात है कि ये सारे पार्टीशंस म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं और पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं, और इन सब का यूनियन हम करते हैं तो हमें पूरा सेट ए वापस से मिल जाता है। हर इक्विवेलेंस रिलेशन में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसको एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास को और पार्टीशन को। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, वो हमने डिस्क्राइब किया है रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, यानी रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और हमारा ये रिलेशन कह रहा है ऐसे सारे ए कॉमा बी हमें चाहिए, ऐसे सारे ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर का सेट कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को टू डिवाइड करेगा, टू डिवाइड्स मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी के मॉड को टू डिवाइड करेगा। यानी ए माइनस बी हमेशा कैसा होना चाहिए, ए माइनस बी हमेशा हमें इवन चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पहले चेक करके देखें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है भी या नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, फिर हमें देखना पड़ेगा सिमेट्रिक है या नहीं है, फिर हमें देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये कब होगा, अगर ए कॉमा बी इसको बिलोंग करेगा, तो हमें पता है ए माइनस ए का मॉड वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, तो वो तो टू से डिविजिबल है, यानी हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है। ए कॉमा बी अगर हमारे रिलेशन में है, यानी ए माइनस बी का मॉड तो टू से डिविजिबल है, तो इसका मतलब बी माइनस ए का मॉड भी टू से डिविजिबल ही होगा। ये भी कैसा होगा, डिविजिबल बाय टू होगा, सेम ही नंबर आएगा, साइन ही अपोजिट होगा, बस तो टू से डिविजिबल होगा। ये नहीं, ये भी यानी ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी माइनस ए, बी कॉमा ए भी रिलेशन में है तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, अगर ए माइनस बी का मॉड कोई इवन नंबर है, टू से डिविजिबल है, यानी ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी बी माइनस सी का मॉड भी कोई पॉजिटिव नंबर, यानी सॉरी पॉजिटिव नहीं सॉरी इवन नंबर होगा, तो हमें ये बताया कि ए कॉमा सी हम देखना चाहते हैं कि इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी टू क्यू है, बी माइनस सी भी टू क्यू है, हम ऐड कर देते हैं ना ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, तो वो कितना आ जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू टू पी कर देते हैं इसको, टू क्यू की जगह कुछ और नंबर होगा यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है पी होगा। तो ये हमने इसको क्यू हटा के और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको आर कर देते हैं, टू आर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू क्यू माइनस टू आर, यानी टू कॉमन ले लेते हैं, क्यू माइनस आर, तो यानी ये भी एक इवन नंबर आएगा, तो ये भी इसका मॉड भी ए माइनस सी का मॉड भी टू से डिविजिबल ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी इसको बिलोंग करेगा, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशंस भी होने चाहिए। तो हम ये यहाँ पर देखते हैं कि वन की इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, वन किस किस से रिलेटेड होगा। तो वन वन से रिलेटेड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वन माइनस वन ज़ीरो है जो कि टू से डिवाइड हो जाता है। क्या वन टू से रिलेटेड होगा, नहीं, टू माइनस वन तो वन होता है, वो टू से डिवाइड नहीं होगा। तो वन और किससे रिलेटेड होगा, थ्री से रिलेट होगा, कि वन माइनस थ्री क्या है, टू है, माइनस टू है, तो उसका मॉड करेंगे टू आएगा और वो टू से डिविजिबल है। और वन फोर से तो नहीं होगा, फोर माइनस वन थ्री, वन फाइव से होगा, वन सेवन से होगा, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलेगा ये। टू को अगर हम देखें, टू टू से तो होगा, टू वन से रिलेट होगा, नहीं, टू वन से रिलेट नहीं होगा,
टू टू से होगा, टू फोर से होगा, टू सिक्स से होगा, ऐसे ही अगर थ्री की बात करें तो थ्री किससे किस किस से होगा, वन से होगा, थ्री टू से हो, टू से नहीं होगा, थ्री थ्री से होगा, थ्री फाइव से होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ऑड नंबर्स हैं वो सब ऑड नंबर्स के साथ ही रिलेटेड हैं, ऑड 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 ऑड, क्यों, क्योंकि ऑड माइनस ऑड हमेशा इवन होता है, और जो इवन नंबर्स हैं वो इवन से ही रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि इवन माइनस इवन भी इवन ही होता है, टू से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर हम एक ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर ले लें, तो अगर हमने इवन नंबर फोर ले लिया, ऑड नंबर वन ले लिया, तो उसमें से अगर तुम ऑड में से इवन या इवन में से ऑड माइनस करोगे तो तुम्हें हमेशा ऑड नंबर मिलेगा जो कि टू से डिविजिबल नहीं होगा। तो इवन माइनस ऑड आप करोगे तो आपको इवन नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, ये तो अभी हमने इक्विवेलेंस क्लास नहीं कहते अभी हम इसको, क्योंकि अभी तो हमने ये क्या बनाया है, ये हमने बनाया है अभी अपना रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन था, इसमें क्या क्या आ गया, वन 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 थ्री वन फाइव वन सेवन टू टू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आएंगे। अब यहाँ हम तुम आपसे कोई पूछता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताओ क्या होगी, तो वन किस किस से रिलेटेड है, वन वन से रिलेटेड है, थ्री से रिलेटेड है, फाइव से रिलेटेड है, सेवन से रिलेटेड है, इनफैक्ट वन सारे ऑड नंबर्स से रिलेटेड है। तो आपको ये जो सेट मिलेगा ये ऑड नंबर्स का सेट मिलेगा। टू किस किस से रिलेटेड है, तो टू किस से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है, फोर से रिलेटेड है, सिक्स से रिलेटेड है, टू फोर सिक्स और सारे इवन नंबर्स इसमें आएंगे, तो ये जो हमें सेट मिलेगा इवन नंबर्स का सेट मिलेगा। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास, उसमें क्या आएंगे, फिर से सारे ऑड नंबर्स आएंगे। फोर की इक्विवेलेंस क्लास अगर हम देखें, फिर से क्या आएंगे, सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे। यह हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इक्विवेलेंस क्लास हमारे पूरे सेट एन को दो पार्टीशन में डिवाइड कर रही है। पहला पार्टीशन है ऑड नंबर्स का सेट, वन थ्री फाइव ऑड नंबर्स का सेट, और दूसरा पार्टीशन क्या है, इवन नंबर्स का सेट, टू फोर सिक्स। इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंस क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ भी आप क्या देखोगे, ए वन और ए टू का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको फाइव मिलेगा, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, और ए वन और ए टू का यूनियन करोगे तो आपको पूरा सेट एन मिल जाएगा। ये जो हमारा ओरिजिनल सेट था ये पूरा हमें मिल जाएगा। तो पार्टीशंस का इंटरसेक्शन हमेशा फाइव होगा, और पार्टीशंस का यूनियन, सारे पार्टीशंस का यूनियन हमेशा कंप्लीट सेट जनरेट करेगा। एक और स्पेशल चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, इस पार्टीशन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में रिलेटेड हैं, 1.3, 1.5, 3.5, ये सारे इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ऐसे ही इस पार्टीशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में रिलेटेड हैं, 2.4 इसमें आएगा, 4.6 इसमें आएगा, 2.6 इसमें आएगा, ये सब इसमें आएंगे। लेकिन इस पार्टीशन का कोई भी एलिमेंट इस पार्टीशन के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं होगा, कभी भी 1.2 या 3.4 या 1.4 या 5.6 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, इस पार्टीशन के भी सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं, लेकिन दो पार्टीशंस के एलिमेंट्स कभी भी आपस में रिलेटेड नहीं होते। तो जनरल में अगर हम बात करें, कोई इक्विवेलेंस सेट है हमारे पास और इक्विवेलेंस क्लास उसको एन पार्टीशंस में डिवाइड कर रही है, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन सब का आप यूनियन करोगे, इन सारे पार्टीशंस का आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट सेट ए मिलेगा, और ये सारे पार्टीशंस सभी पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, इन सब का इंटरसेक्शन आपको हमेशा फाइव मिलेगा, और इस पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड होंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं होगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ में रिलेटेड नहीं होगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ में
रिलेटेड नहीं होगा। तो ये सारी बातें की हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो आज हम बस सिर्फ इसे ही रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, और एक्सरसाइज जो इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने रिलेशंस, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बात की थी, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी, ऐसे सारे ऑर्डर पे है जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सेट सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। कार्टिजन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, एंड बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एरो डायग्राम बना के हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम उसको इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर इफ एंड ऑनली इफ द गिवन कंडीशन है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने देखा ट्रिवियल रिलेशंस, जिसमें दो तरह के रिलेशन थे, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जो फाइव के इक्वल है, यूनिवर्सल रिलेशन जो पूरे ए क्रॉस बी के इक्वल है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इस रिलेशन के अंडर ए कॉमा ए हमारे रिलेशन को बिलोंग, हर ए कॉमा ए हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। फिर हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हर एलिमेंट जिन सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है उनके सेट को हम कहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस किसी भी सेट को, गिवन सेट को पार्टीशंस में डिवाइड करती है जिन पार्टीशंस का इंटरसेक्शन फाई होता है, ये पार्टीशंस पेयरवाइज डिस्जॉइंट होते हैं, और इन सभी पार्टीशंस का यूनियन हमें कंप्लीट सेट जनरेट करके देता है। और इन सारे पार्टीशंस के, एक पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जबकि इसके एलिमेंट्स, एक पार्टीशन के एलिमेंट्स दूसरे पार्टीशन के एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड नहीं होते हैं।